जो पास्टर आ तो वह मकसद ये भी इतने मैं चर्च बनाव मेन गल तो यही है भी अही चर्च जी नहीं मन देनी क्योंकि सिंह डट गए आई तो डट के विरोध भी करा जो कुछ भी वह भी करा जो कोई आऊगा वह अपना भुगतू अपना आप मसीह ते सिख भाईचारा होया आमो सामने गुरुद्वारे ते चर्च नूं लैके छिड़िया विवाद। डेरा बाबा नानक दे पिंड निकोसरा तो बीते दिनी माहौल तनावपूर्ण होण दा मामला सामने आया। दस्सिया जांदा है कि इत्थे एक मसीह परिवार अते पिंड दे रहण वाले सिख नौजवान आमो सामने विखाई दिते ने अते मामला दस्सिया जांदा है गुरुद्वारे अते चर्च नूं बनाउण नूं लैके। यह भी कहा जांदा है कि पिंड दी हमायत दे विच आईआं ने निहंग सिंह जथेबंदियां ते कहा जांदा है कि गुरुद्वारे नूं प्यार करन वाले एक प्रेमी दे दोते दे वलों उस दी जगह ते चर्च बनाई जा रही है जिसका सारे पिंड वासियां दे वलों विरोध किया जा रहा है। दूजे पासे चर्च बनाउण वाले पास्टर का यह कहना है कि यह जमीन जायदाद उसकी निजी है ते हुण तुहानूं सुणाउणियां नानकियां दी जगह ते चर्च बनाउण नूं लैके की कहना है मसीह समुदाय दे नाल संबंध रखदे व्यक्ति का। मामला यह है जी पिंड नकोसरां दे विच साडे नानकियां दी मतलब साडे नाने जी की जगह वा घर ही उन्हां दा तो काफ़ी देर तो साढ़े नाना जी ते नानी जी की डैथ हो गई तो उस तो बाद च मतलब जगह पई तो साडा विचार बने उत्थे ही एक निजी चर्च बना लीए तो असी चर्च ओपन दे लई मतलब मीटिंग की मीटिंग रखी तो उहदे विच पिंड वाले जिहड़े सीगे उन्होंने पता होगा कारण दा वेखो साडी अपनी निजी जगह जो होवे तो मतलब उत्थे असीं कुछ भी कर सकते हैं ना कुछ भी मतलब बना सकते हैं तो मतलब इन्होंने कहा कि नहीं चर्च नहीं बनानी तो यह क्या भी कोई गल नहीं जी नहीं बनानी तो तुहानू तराजगी है तो अहीं चर्च नहीं बनाउंदे साडी मीटिंग जिहड़ी होणी। ते दूजे पासे पिंड वासियां दा कहना है कि यह किसी की निजी जायदाद नहीं है बल्कि पिंड वासियां दी संपत्ति है अते इस दे उत्ते किसी तरह का कोई चर्च नहीं बनाया जाएगा जिस नूं लैके पिंड वासियां अते इकट्ठियां हुई निहंग सिंह जथेबंदियां दा की कहना है तुहानू सुणाउने आ। यह आ जिहड़ा थां वा ना यह बापू करनैल सिंह होरां दा है जो गुरु महाराज के नाल बड़ा ही प्रेम करता सी तो उहदियां दो लड़की है उहदा जिहड़ा छोटा मुंडा वह क्रिश्चन आ तो पास्टर आ तो उहदा मकसद यह आ भी इत्थे मैं चर्च बनावा तो एक मैं तुहानू एक जानकारी दे देना भी आ जिहड़ा थां वा ना यह किसे दी जिद्दी जायदाद नहीं गी जायदाद नहीं गी ना कोई किसे दी मालकी आ इह जे मन के चलिए पिंड वाले का थां ही आ मेन गल तो यही है भी अही चर्च जी नहीं मन देने। भाई साहब जी दसता साडा किसी ना कोई विवाद नहीं आ देखो जी इन्हां दे पॉप कह रहे आ कि जिथे चर्चा बनिया वा चाहे इन्हां दे गिरजेघर बने आ जितना गुरुद्वारे मेन बने आ उत्थे बनाउण उत्थे जाण सानूं कोई तराजगी नहीं आ। देखो जदों एक नहीं नेकां पिंडां च इन्हां ने यह टीचा बना लिया कि जिथे गुरुद्वारा साहब वा गुरुद्वारे साहबां दे विच उन्हां दे सामने एक विवाद फैला रहे आ क्योंकि जदों विवाद फैलूगा फिर जिहड़ी पब्लिक आ लड़ूगी। देखो एक बने शाम नूं रहिरा साहब दे टाइम बाणी चलूगी एक टाइम ये अपना चलो जो भी कोई करते हैं बाणी पढ़ते हैं चाहे कोई अपनी बंदगी करते कर के तो देखो लड़ाई ना बधूगी। इस करके साडी प्रशासन गाड़ी भी हाथ जोड़ के बेनती है कि जे प्रशासन चाहे चाहे कोई इन्हां दे जिहड़े पॉप वा चाहे जिहड़ा सीनियर उन्हां नूं समझाउण कि जिथे जिथे गिरजाघर बनता वा कोई इन्हां दी हदबंदी होवे कोई 2 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर कोई 10 किलोमीटर जिथे पक्कियां चर्चां बणियां उत्थे जाण क्योंकि सिंह डट गए आ अहीं ते डट के विरोध भी करांगे जो कुछ भी उह वी करांगे जिहड़ा कोई आऊगा उह अपना भुगतू अपना आप। इस करके मेरी प्रशासन गाड़ी हाथ जोड़ के बेनती है जिहड़ा वीर इत्थे कोई चर्च बना रहा उहदे भी बेनती है कि इत्थे ना आयो चर्च नहीं अहीं बंद नहीं सिंह आके बह गए इत्थे। दूजे पासे चर्च बनाउण वाले जगह ते डट के बैठे ने निहंग सिंह अते निहंग सिंघां दा कहना है कि किसी भी कीमत ते इत्थे चर्च नहीं बनाउण दित्ती जावेगी ते माहौल तनावपूर्ण दस्सिया जा रहा है ते पुलिस दा कहना है कि बिल्कुल शांतमई माहौल है। तुहानूं सुणाउने आ मौके ते मौजूद पुलिस अधिकारी ने की कहा है। कुछ नहीं इत्थे कुछ अपना साई भाई करदे दे लोक जिहड़े सी आम चर्चा करनी चाहुंदे सीगे पिंड वाले लोकां ने इतराज़ कीता सीगा हुण आ के दोनों धिरां नूं समझा दित्ता गया है माहौल बिल्कुल। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।